दोस्तों बहुत सारी ट्रिक इस्तेमाल की फिर भी जो कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को देखा होगा जिन्होंने बोला होगा कि टैग लगाओ, कोई बोल रहा है डिस्क्रिप्शन लगाओ, कोई बोल रहा है टाइटल लगाओ, लेकिन आप लोगों ने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सारा कुछ लगाया होगा फिर भी आप लोगों के व्यूज इंक्रीज नहीं हो रहे। तो अगर आप लोगों के भाई यार 5, 10, 50 व्यूज अगर रुक जाता है तो आज का वीडियो आप लोगों को जरूर देखना होगा। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ अगर ये वीडियो आप लोग एंड तक देख लेते हो तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि आपके व्यूज जरूर इंक्रीज हो गए। तो चलिए कौन सी वो ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी जिससे आपका व्यूज वो इंक्रीज होगा। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन तो हर कोई लगाता है फिर भी जो कि उनके व्यूज इंक्रीज नहीं हो रहे, तो कौन सी वो ट्रिक लगानी होगी आज के इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज यार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप क्या गलती करते हो। आप लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा होगा और वो बोल रहे हैं कि टाइटल लगाओ, कोई बोल रहा है डिस्क्रिप्शन लगाओ या फिर जो कि टैग्स लगाओ, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा कुछ यहाँ पर लगा दिया होगा, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन यानी कि पूरा का पूरा एसईओ कर लिया होगा फिर भी आपके व्यूज वो इंक्रीज नहीं होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मैंने ये जो अपना चैनल है उसको जो कि पूरे के पूरे 10 महीने तक पूरा का पूरा एसईओ करता था, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ लगाता था फिर भी जो कि मेरे व्यूज है वो यार 5, 10, 20 व्यूज आकर ही रुक जाते थे। लेकिन ऐसे मैंने क्या किया जिसकी वजह से मेरा ये व्यूज है वो इंक्रीज हुआ वो भी सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को सबसे पहले अगर न्यू यूट्यूबर हो तो क्या करना होगा। आप लोग अगर न्यू यूट्यूबर हो तो आप लोगों को सबसे पहले कहाँ पर फोकस करना है कि आप लोगों को अपनी थंबनेल पर फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों मैं मानता हूँ कि न्यू यूट्यूबर जो भी हो चाहे मेरी बात करो आपकी बात करो या फिर किसी की बात करो, लेकिन न्यू यूट्यूबर क्या करता है कि थंबनेल को उसको जो कि अच्छे से बनाना नहीं आता। अगर वो थंबनेल अच्छी बना लेता है तो उसको जो कि फुल एचडी में यहाँ पर सेव नहीं कर पाता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर सबसे पहले फोकस करने के लिए यही बोलूंगा दोस्तों कि आप लोगों को अपनी थंबनेल पर यहाँ पर फोकस करना है। आप लोगों को क्लिकेबल थंबनेल बनानी होगी, साथ में जो कि क्लिक बेट भी करना होगा और यहाँ पर जो कि फुल एचडी में थंबनेल सेव करना होगा तभी जाकर आपके व्यूज है वो इंक्रीज होगा। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर जो कि कोई अच्छी थंबनेल लगाई होगी तो आप लोग जो कि वहाँ पर जो टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ भी नहीं दिखते, आप लोग जो कि थंबनेल देखकर ही क्लिक कर लेते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को क्लिकेबल थंबनेल बनानी होगी। तो सबसे पहला हमारा यही ट्रिक है जिससे आपके व्यूज है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे दूसरे ट्रिक के ऊपर चलते हैं कि दूसरी ट्रिक कौन सी है जिससे आपके व्यूज है वो इंक्रीज होगी। लेकिन बहुत सारे बंदे ने दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अब हम दूसरी ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो दूसरी ट्रिक है दोस्तों आपकी वीडियो की लेंथ। जी हाँ दोस्तों आप अगर नए यूट्यूबर हो नया नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है तो आप क्या करते हो कि वीडियो की लेंथ है वो यार बहुत ज्यादा रखते हो। क्यों? क्योंकि आपके 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है उसका पूरा करना है और उसी वजह से आप क्या करते हो 7 मिनट 8 मिनट 10 10 मिनट का वीडियो बनाते हो और आपको लगता है कि हमारा कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगा और उसी से हमारा जो कि 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आप लोगों को क्या करना है कि 3 से 5 मिनट का ही वीडियो बनाना है। इससे क्या होगा अगर आपका 5-6 मिनट का भी वीडियो है तो उसी से एक ही वीडियो से आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो सारा कुछ कंप्लीट हो सकता है। और लाइव प्रूफ के लिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि साइड में मैं एक वीडियो का एनालिसिस दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो देखिए कि 6 मिनट का ही है और उसका जो कि यहाँ पर मैं एनालिसिस खोल देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि सब्सक्राइबर मुझे कितने मिल चुके हैं और साथ में यहाँ पर देखिए कि वॉच टाइम कितना मिल चुका है, यानी कि एक ही वीडियो से सारा कुछ कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो को जो कि लेंथ है वो यार मेंटेन करके रखनी होगी 3 मिनट से 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट का वीडियो बनाओ। ज्यादा लंबा मत खींचो, जितना भी हो सके उतना शॉर्ट वीडियो बनाओ, उससे आपका जो कि वॉच टाइम है वो इंक्रीज होगा। अगर आप जो कि न्यू यूट्यूबर हो और आप बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे तो आपका जो कि ऑडियंस रिटेंशन है वो कम होगा और उसी से आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर ठप हो जाएगा और आपका वीडियो आगे नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो की लेंथ है वो यार आप लोगों को मेंटेन रखनी होगी। तो ये तो हमारी दूसरी ट्रिक थी दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के हमारे तीसरी ट्रिक के ऊपर चलते हैं कि तीसरी ट्रिक कौन सी और उससे आपका वीडियो है वो किस तरह से वायरल होगा और आपका व्यूज है वो किस तरह से इंक्रीज होगा। तो चलिए तीसरी ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो तीसरी ट्रिक कौन सी है? तो तीसरी ट्रिक में मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कौन सी अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर ली है। आपकी कैटेगरी कौन बड़ा क्रिएटर है वो है उसके चैनल को जो कि सब्सक्राइब करना है। जी हाँ दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर मैं टैग का चैनल है तो मैं यूट्यूब टिप देता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मनोज देखा जो यूट्यूब चैनल है उसको जो कि सब्सक्राइब करके रखूंगा, उसके वीडियो पर देखूंगा, उसके वीडियो कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है वो देखूंगा। यानी कि आप लोगों को जो भी कैटेगरी हो चाहे आपकी जो कि गेमिंग कैटेगरी है तो आप लोगों को गेमिंग के चैनल जो भी बड़े बड़े हुए उसको जो कि सब्सक्राइब करके रखना है, उसका वीडियो कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, जो भी वीडियो चल रहा है उसी टॉपिक पर वीडियो बनाओ, उसी तरह का जो कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाओ। आप लोगों को टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन किसी का भी यहाँ पर जो कि कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हो, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा आप लोगों को जो कि फोकस नहीं करना है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि थंबनेल, उसके बाद आपका जो कि वीडियो का लेंथ और तीसरा आपका जो कि कॉन्टेंट। अगर आपका कॉन्टेंट होगा अच्छा
तो ही आपका वीडियो वायरल होगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि तीन चीज पर जो कि ज़्यादा फोकस करो तो ही आपका वीडियो है वो वायरल होगा और आपके व्यूज है वो इंक्रीज होगी। तो आज की वीडियो में यही तीन ट्रिक की बात करने वाला था दोस्तों, और इसी तरह से आप अपने व्यूज है वो जो कि इंक्रीज कर सकते हो। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के पीछे मत भागो। आप लोग अगर जो कि वीडियो कोई ना कोई एक भी वीडियो अच्छा होगा तो आपका जो कि ऑटोमेटिक ही उसका जो कि यूट्यूब सर्च में चला जाएगा। तो आज के वीडियो में यही कुछ बताना था दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप ये दो वीडियो है वो देख सकते हो। तो थैंक यू।